हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। आज हमारे पास यहाँ पे कुशाक की मोंटी कार्लो एडिशन आई हुई है और इसके अंदर आज हम लगाने वाले हैं पूरा सनग्लास के ऊपर फिल्म्स। ये जो फिल्म लगती हैं ये सिर्फ हीट रिजेक्शन के लिए होती हैं और ये जो रहती है 70% क्लियरेंस में रहती है। और ये एंटी ग्लेयर शीट है जो सामने फ्रंट साइड में लगाई जाएगी और हीट रिजेक्शन भी काफ़ी अच्छा करती है। ये यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, ये गरवारे कंपनी की है और यहाँ पर थोड़ा सा एंगल हमें अब आप देख सकते हैं 70 डिग्री विजिबिलिटी इसके अंदर आपको दिख रही होगी। तो ये जो है इसके अंदर लगाएंगे, साथ ही में जो है इसकी ये जो ग्लासेस हैं इनके ऊपर भी पूरी फिल्म अभी लगाई जाएगी। तो प्लीज़ कंटिन्यू रखिएगा, देखते रहिए किस तरीके का लुक आता है गाड़ी के अंदर, कैसे जो है पूरी फिल्म को इंस्टॉल करते हैं, पूरा दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। तो अभी जो है इसकी कटिंग वगैरह चल रही है ताकि इसी की शेप की हो जाए, फिर इसके बाद एक हीटिंग प्रोसेस होती है ताकि ये मोल्ड ले ले पूरा अपने ग्लास में, और फिर उसके बाद अंदर से इसको पूरा जो है पेस्टिंग करेंगे, लगाएंगे। तो अभी जो है फर्स्ट स्टेप चल रही है इसकी पूरी कटिंग प्रोसेस जो होती है, तो फर्स्ट स्टेप के बाद फिर इसके बाद हीटिंग प्रोसेस करेंगे, हीटिंग प्रोसेस के बाद अंदर से ये पूरी लगेगी। तो सब्सक्राइबर तो देव भैया बढ़ाएंगे, आप कैसे बढ़ते देव भैया सब्सक्राइबर बताइए आप ही। वो लाल बटन दिया ना बीच में साइड में कोने पे, तो प्लीज़ उस बटन को दबा दीजिए। इसी तरीके से आपके लिए हम लोग कई वीडियोज़ बनाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, और प्लीज़ दबा दीजिएगा सब्सक्राइब का बटन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रंट से भी आप देख सकेंगे कि कोई ऐसी विजिबिलिटी ब्लॉक नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ हीट रिजेक्शन के लिए रहती है कि आपके अंदर जो गर्मी है, जो अभी गर्मी का सीज़न आने वाला है तो अंदर गर्म थोड़ी गाड़ी कम हो, उसी लिए लगाई जाती है फिल्में। तो प्लीज़ देखते रहिएगा, पूरी फिल्म का हम प्रोसेस बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हीटिंग प्रोसेस होती है फिल्म की, वो अभी पूरी हीटिंग प्रोसेस करी जा रही है। यहाँ पे देव भैया जो है पूरा इसको हीट करके जो है शेप में ला रहे हैं इसको पूरा, ताकि एक पूरा जो कर्व्ड ग्लास है उसी शेप में पूरी फिल्म आ जाए। और फिर इसके बाद जो है जब पूरा शेप आ जाएगा, पूरा इस तरीके से इसके ऊपर ये चिपक जाएगी, उसके बाद ही इसको पूरा निकाल के रोल को और अंदर से जो है इसको पूरा लगाया जाएगा। अभी पूरी हीटिंग प्रोसेस होने देते हैं इसकी, और जब पूरी हीटिंग प्रोसेस हो जाएगी उसके बाद हम आपको लुक दिखाएंगे। जैसे ये आपको दिख रहा है ना, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल चिपका हुआ है इसके ऊपर से, बिल्कुल पूरा ऐसी करनी पड़ती है अभी फिल्म को। अभी आप देख रहे हैं कितने ज़्यादा ये इसके अंदर ये इस तरीके से बबल्स हैं या फिर एयर कह सकते हैं उनको। तो ये पूरी एयर निकाल दी जाएगी और इसको इसी तरीके से पूरा अभी हीट सिंक करके बिल्कुल प्लेन कर दी जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने पूरा इसको हीट प्रोसेस करके इसको पूरा अब हीटिंग इसकी पूरी सही कर दी है। अब जो फाइनल कटिंग होती है हमारी, वो पूरी फाइनल कटिंग होने वाली है। यहाँ पे जो देव भैया हैं वो इसको पूरी तरीके से अच्छे तरीके से इसको कट करते हुए हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से कट कर देंगे। जो आपको ये एजेस दिख रहे हैं, इस एज के बाजू से इसको पूरा कट कर दिया जाएगा ताकि एक अच्छे से अंदर से जो है इजीली इसको लगा सकें, फिट कर सकें। तो अभी जो है कटिंग प्रोसेस पूरी चल रही है, आप देख सकते हैं बहुत बारीकी से इसको काटना पड़ता है। स्किल्ड लेबर चाहिए रहती है इस चीज़ को, और बहुत धीरे से इसका काम होता है, आराम से इसको कट करा जाता है ताकि एक बार जो कटिंग हो जाती है बिल्कुल परफेक्टली कटिंग करनी पड़ती है इसके लिए। तो यहाँ पे हम आपको दिखाएं तो ये पूरी फिल्म जो है इसके अंदर इंस्टॉल कर दी गई है, और जो इसकी फिनिशिंग वाली चीज़ होती है सिर्फ देव भैया वो कर रहे हैं। यहाँ से आप देख सकेंगे फिल्म लगी है कि नहीं लगी। यहाँ पर आपको छोटे मोटे इसमें अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो मैं कैमरा एंगल ऐसा नहीं हो पा रहा है कि मैं आपको दिखा पाऊँ। फिल्म इसके अंदर पूरी इंस्टॉल कर दी है अभी हमने, यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको हल्के बबल्स दिख रहे होंगे क्योंकि ये जो फास्टैग था ये हमने निकाला नहीं है, उसी के ऊपर से लगाई है। तो अब आप इसको नोटिस भी कर पाएंगे। इसी के साथ ही अंदर बैठ के भी हम आपको दिखाएंगे कितनी विजिबिलिटी आपको मिलती है देखने के लिए, कि अंदर से ऐसा ना हो कि विजिबिलिटी ब्लॉक हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ एंटी ग्लेयर शीट्स होती हैं और ये जो फिल्म लगाई जाती है ओनली फॉर हीट रिजेक्शन, हीट रिजेक्शन करने के लिए लगाई जाती है ताकि जब गर्मी में गाड़ी में आप बैठें तो आपको जो एसी चालू करें तो आपको इजीली जो है ठंडा कर दे, ज़्यादा गर्म ना हो गाड़ी और बहुत जल्दी कूलिंग हो जाए इसके अंदर। और जब भी आप गाड़ी जब चलाते हैं गर्मी वगैरह में तो अंदर जो हीटिंग प्रोसेस होती है, मतलब जो एसी आपका देर से काम करता है वो जल्दी काम करने लगता है क्योंकि हीट अंदर उतनी ज़्यादा आती नहीं है, ये रिजेक्ट कर देती है हीट फिल्म। इसी के साथ ही इसमें है ना फिल्म यहाँ पे भी हम लगा चुके हैं जो कि इसको ग्लासेस को बोलते हैं, तो एक एक करके इस पे भी पूरी यहाँ पे नहीं लगी है, पीछे पीछे अभी भी यहाँ पे भी नहीं लगी है, तो इस पे लगाना है अभी। तो
दोनों जगह पे भी नहीं लगी, तो आगे पीछे की भी अपन यहाँ पे भी लगा देते हैं। फिर इसके बाद आपको एक पूरा वीडियो दिखाएंगे कि अंदर से किस तरीके से दिखती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इतनी विजिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी, जो कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि फिल्म गाड़ी के अंदर लगी हुई है। ऐसा लगता है कि कुछ लगा ही नहीं है गाड़ी के अंदर, लेकिन इसमें फिल्म लग चुकी है। यहाँ पे आपको हम दिखा हल्का सा बबल है अभी, ये सारी चीज़ें जो अभी इसके अंदर का पानी है पूरा निकाल दिया जाएगा, और ये जब पूरी सूख जाएगी तो ऐसा लगेगा ही नहीं कि गाड़ी के अंदर जो है फिल्म वगैरह को आपने इंस्टॉल करवाया है, और पूरी जो हीट है ये रिजेक्ट कर। अभी आप दो मिनट पहले बोल रहे थे कि ये कूलिंग के लिए होती है ना? हाँ, ये कूलिंग के लिए तो होती है। साथ में जो है सामने जो गाड़ी की रोशनी आती है ना हेडलाइट की, हाँ, वो आंखों पे लगती भी नहीं है, एंटी क्लियर भी होती है साथ साथ। हाँ, आंखों पर रोशनी लगेगी मतलब रोशनी कांच पे आती है फैल जाती है आंखों में लगती है अपने। हाँ, तो लगेगी नहीं। बहुत लोग गॉगल पहन लेते हैं, जरूरत ही पड़ी गॉगल पहनने की। ठीक है, तो ये एक और अच्छा फीचर हो गया गाड़ी में कि एंटी ग्लेयर शीट भी हो गई। कभी रात में आप ड्राइव करेंगे तो ये जो है आपके जो आंखों में एकदम से तेज रोशनी पड़ती है या फिर एकदम स्कैटर होती है रोशनी, तो वो थोड़ी सी आपको जो है कम दिखेगी, एंटी ग्लेयर जो है ये शीट होती है। तो ये पूरा अभी इसका काम करने देते हैं। यहाँ पे अभी देख भैया इसमें फिल्म नहीं लगी ना अभी, नहीं लगी, तो अभी इसमें और फिल्म लगाते हैं और फिर इसके बाद आपको पूरा वीडियो दिखाते हैं किस तरीके से गाड़ी के अंदर पूरी फिल्म और बाहर से किस तरीके का लुक आता है, कितने परसेंट ट्रांसपेरेंट होती है, क्या रहता है, सारी चीज़ें इसी वीडियो में हम आपको दिखाने वाले। तो यहाँ पे देव भैया ने फ्रंट वाले ग्लास में, जो कि फ्रंट ही हमारी हो चुकी है, इस वाले ग्लास में भी लग चुकी है और इस वाले ग्लास में भी लग चुकी है, सिर्फ अभी इस वाले ग्लास के अंदर नहीं लगी है। उसको समझाने के लिए हम आपको इसको ऐसा करके दिखाते हैं ताकि आप जो इसका कंपेरिज़न है वो देख सकें कि कितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आपको मिलती है। बिल्कुल ऐसा लगेगा कि इस वाले ग्लास पर भी फिल्म नहीं लगी, लेकिन इस पर भी लग चुकी है फिल्म, अभी लगाई है देव भैया ने, और ये वाला जो ग्लास है अभी इस पर नहीं लगी है। तो अगर अपन दोनों को देखें, साइड से देखें, कहीं से भी देखें, तो ऐसा लगता ही नहीं कि फिल्म लगी है इस पर, इसलिए 70% क्लियरेंस के साथ रहती है पूरी। और आपको बता दूं कि आप कैसे पहचान सकते हैं फिल्म, अभी देखिए अभी लगाई है हमने इसके अंदर, और ये थोड़ा सा अभी बबल टाइप का आ रहा है, तो ये पूरा निकाला जाएगा। जब पूरी फिनिशिंग होती है तो पूरी इसको निकाल दिया जाता है, और अंदर से देखें तो अंदर से ज़्यादा समझ में आता है कि हाँ इस वाले ग्लास पे लगी हुई है, इस वाले ग्लास पे नहीं लगी हुई है। थोड़ा सा आप समझने पे देखेंगे इसको, ये थोड़ा सा डार्कर साइड दिखता है इस ग्लास के कंपैरिजन में। तो अभी पूरे ग्लासेस जो हैं अभी देख भैया कर देते हैं, फिर एक बार मैं और आपको बाहर से लुक दिखाएंगे कि किस तरीके से टिंट होता है, किस तरीके से लगता है ये, तो पूरा टिंट कर देते हैं अभी। तो फ्रेंड्स, गाड़ी के अंदर फिल्म का काम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग, पूरे ग्लासेस जो हैं टिंट हो चुके हैं, पूरी फिटिंग जो है वापस कर दी है हमने, और किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी मिलेगी, किस तरीके का आपको क्लियरेंस मिलेगा वो हम आपको दिखाते हैं साइड से। आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके का टिंट हुआ है कि आपको समझ में नहीं आएगा कि गाड़ी टिंटेड है कि नहीं है। और यहाँ से अगर आपको हम फ्रंट का व्यू दिखाएं तो आप फ्रंट व्यू भी देख सकते हैं, यहाँ से अंदर से दिखाएंगे तो अंदर का व्यू भी देख सकते हैं। अगर हम आपको बताने की कोशिश करें कि यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बैजिंग मिल जाती है जिसमें लिखा रहता है विजिबिलिटी 70%, तो ये 70% के आसपास विजिबिलिटी देती है आपको, तो ये बिल्कुल लगभग ट्रांसपेरेंट के पास में ही है बिल्कुल। और ये जो फिल्म लगाई हुई है, एंटी ग्लेयर फिल्म लगाई हुई है, पूरी हीट रिजेक्शन करेगी, और ये सिर्फ लगाई जाती है हीट रिजेक्शन के लिए कि गाड़ी कूलिंग भी अच्छी से करे। और जो फ्रंट फिल्म है वो तो आपको बताया मैंने आपको कि एंटी ग्लेयर शीट्स होती हैं, तो रात में आपको और सपोर्ट करेगी, और हीट रिजेक्शन मेन जो काम होता है वो तो करेगी। तो ये था पूरा जो आज हमने किया है स्कॉडा की कुशाक के बारे में, मोंटी कार्लो एडिशन है ये इसका, और ये इसके अंदर आज हमने पूरी फिल्म लगाई हुई है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। धन्यवाद।